हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज नई रेसिपी लेके आई हूँ जो खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी दोनों है। यह है अरवी के पत्ते। अरवी के पत्ते से हम बनाएंगे बहुत ही अच्छा पकौड़ा। इसे हमने रिकवच भी कहते हैं और जूरी भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे हम बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी है। ये बरसात के मौसम में मिलते हैं ये पत्ते। आपको हम दिखा दें, हम मार्केट से मंगाए हैं, कुछ इस तरह दिखने में लगते हैं। इनको हम काट करके इसके सारे पत्ते को अच्छे से हम धुल लिए हैं। अब इनके हम मसाले बनाते हैं। इसमें हम 10 से 12 हरी मिर्च ले लेंगे और 2 गांठ हमने लहसुन को भी छील लिए हैं। इसका हम बारीक पेस्ट बना लेंगे जो कि हमको बेसन में ऐड करना है। 2 कप हमने बेसन ले लिया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 टीस्पून जब डालते हैं हम अजवाइन, जिसको हम क्रश कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस हमारे पकोड़े में। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें हम 1.5 टीस्पून डाल देते हैं नमक। 1 टीस्पून डाल देते हैं हम इसमें हल्दी पाउडर। एक टीस्पून डाल देते हैं हम इसमें जीरा पाउडर। और इसमें हम 2 टीस्पून डाल लेते हैं धनिया पाउडर। इसमें हम डाल देंगे अमचूर पाउडर। इसमें हमें खटाई जरूरत रहती है क्योंकि ये कभी कभी गले खजवाने लगते हैं, इसलिए इसमें डाल लेते हैं अमचूर पाउडर, जिससे इसका असर नहीं रहता है। इचिंग होती है गले में, उससे बचने के लिए इसे डालते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया है उसको ऐड कर देते हैं। ये तीखा ही चटपटा अच्छा लगता है इसके पकौड़ी। अब इसमें हम पानी डाल के इसका एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं। हरी मिर्च थोड़ी तीखी नहीं है, इसलिए इसमें हम 1 टीस्पून तीखा लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। इससे काफी चटपटा बनेगा हमारा पकौड़ा। अब इनको हम मिक्स कर देते हैं। इनको हमें इतना ही गाढ़ा बनाना है फ्रेंड्स कि हमें इसको पत्ते पे लगाना है। हमें बहुत ही गाढ़ा इसका घोल तैयार कर लेना और इसे अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। पत्ते को इस तरह इसका जो है ऊपर वाला भाग हम नीचे कर देंगे, नीचे वाला भाग ऊपर कर देंगे। अब इनको हम बेलन से थोड़ा बिल्कुल हल्का बेल देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। बिल्कुल हल्के हाथ से जितने इसमें हमें पत्ते को लगाने हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब इस पत्ते पर हम लगा देते हैं बेसन के घोल। हमें अच्छे से चारों तरफ से इसको लगा देना है। ये इस मौसम में फ्रेंड्स सबके घर बनते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको बनाना भी बहुत आसान है। हमारी दादी नानी माँ इस रेसिपी को जरूर बनाती थी और उन्हीं से हम ये रेसिपी को सीखे हैं। अब हम इसके ऊपर एक पत्ता और लगा देते हैं। इनको भी हम इसी तरह बेसन के जो हमने बनाए हैं बेटर उससे हम इसे अच्छे से कोट कर देंगे। अब ये तीसरा पत्ता है जिसके ऊपर हम लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम बेसन को इस तरह अच्छे से लगा देंगे। अब ये है चौथा पत्ता। पत्ते छोटे हैं फ्रेंड्स, अगर बड़े पत्ते रहेंगे तो हमें बीच से फोल्ड करना पड़ेगा। अब इनको एक साइड से हम बहुत ही हल्का मोड़ लेंगे और इसके ऊपर भी हम लगा लेते हैं बेसन। इसको भी तरफ मोड़ लेंगे। ये पत्ते हमारे छोटे हैं फ्रेंड्स, इसलिए ये छोटे बन रहे हैं, नहीं तो इसके पत्ते बड़े आते हैं। अब इसको हम इधर से मोड़ लेंगे, हल्का इसमें बेसन लगा देंगे
और इसको बहुत ही आराम से हम हल्के हाथों से इसको ऐसे मोड़ लेंगे, और जहां इसको इंट करना है वहां भी हम थोड़ा बेसन लगा देंगे और इनको अच्छे से हम मोड़ लेंगे। अब इसके दोनों साइड हम बेसन को अच्छे से लगा लेंगे, और इसी प्रोसेस से हम अपने सारे जो भी अरुई के पत्ते हैं उनको हम बना लेंगे। ये हम ले लिया स्टीमर, स्टीमर में ही हम इसको बॉयल करेंगे, स्टीम करेंगे अच्छे से हम। आपके पास अगर कढ़ाई है तो कढ़ाई में भी कर सकती हूँ, उसमें जाली वाली चलने लगा के बहुत ही इजली हो जाता है। अब इनको हम रख देते हैं स्टीम होने के लिए, इन्हें हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे फ्रेंड्स स्टीम होने के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब इसको हम रख देते हैं स्टीमर में, पानी हमारे गर्म हो गए हैं, अब इसको इसमें रख देते हैं स्टीम होने के लिए, और इसमें लगा देते हैं हम लीड। 7 मिनट हो गए हैं और हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं पकौड़े। अब गैस को करती हूँ ऑफ, इसको हम ठंडा करके कट करके आपको फ्राई करके हम दिखाएंगे। थोड़ा ठंडे हो गए हैं, अब इसको हम धीरे धीरे काट लेते हैं अच्छे से। इनके ऐसे छोटे छोटे हम पीसेस कर लेंगे, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम बीच से भी कट कर दे रहे हैं। अब इसको हम प्लेट में रख देंगे, और हमें फ्राई करना है तो हमने कढ़ाई में तेल को गर्म कर रहे हैं, इसको मस्टर्ड ऑयल में ही फ्रेंड्स बनाएंगे। ये मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनता है, और इसी प्रोसेस से हम अपने जितने भी अरुई के पत्ते थे सभी को हम स्टीम कर रहे हैं। और इस बारिश के मौसम में ये हम जरूर खाते हैं रिकवच की पकौड़ी, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चाय के साथ तो हम इंजॉय करेंगे इस रेसिपी को। आप कब बना रही हैं हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तेल को हमें मीडियम ही गरम करना है, बहुत ज़्यादा हाई में नहीं इसे पकाना, नहीं तो ये जल्दी से जल जाएंगे ऊपर से और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसीलिए इसको लो टू हाई फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। दो मिनट बाद हम इसको इस तरह पलट लेंगे, इसको तुरंत नहीं पलटना नहीं तो आपके जितनी भी पकौड़ी हैं टूट जाएंगी। इसको 2 मिनट बाद अच्छे से पलट लीजिए, और इसको अभी हम कुरकुरा फ्राई करेंगे, इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको हमको फ्राई करने में सिर्फ 4 मिनट लगे हैं, और इसको हम निकाल लेते हैं, इसके जो भी एक्स्ट्रा तेल है हमारे निकल जाएंगे, और हमारे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह मैं अपना दूसरा बैच भी डाल देती हूँ। फ्रेंड्स हमारे बन गए हैं पकोड़े, और बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं। इसे आप जरूर अपनी फैमिली में बना के खिलाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो इजली आप तक पहुँचे। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।